वेलकम टू स्टडी 92। आप सभी का स्वागत है हमारे क्लास में। तो चलिए गाइस, सभी लोग जल्दी से आ जाएं क्योंकि क्लास जो है स्टार्ट की जा रही है। जैसा कि आप सभी दोस्तों जानते हैं कि क्लास 9 से लेकर क्लास 12 तक जो है आप लोग की इसी चैनल पे स्टडी कराई जाएगी। तो अभी हाल फिलहाल क्लास 10th का जो है क्लास जो है स्टार्ट हो चुका है, और आप लोग का 11th, 12th और 9th दोनों तीनों चारों क्लास का जो है आप लोग का वीडियो कंटिन्यू मिलता ही रहेगा। तो आज जो दोस्तों हम लोग शुरू करने वाले हैं क्लास 10th का रियल नंबर यानी कि वास्तविक संख्या। चैप्टर आप लोग का 1 रहेगा, एक्सरसाइज जो है 1.2 रहेगा। इसके पहले ऑलरेडी एक्सरसाइज 1.1 जो है कंप्लीट कर दिया गया है, आप जाके वीडियो देख सकते हो। आज जो है हम लोग एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट करने वाले हैं जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग क्लास 9 से लेकर क्लास 12 तक जो है इसी चैनल पर जब पढ़ाई हो रही है, तो आप सबसे पहले क्या करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस करो, क्योंकि हमारी आने वाली पहली नोटिफिकेशन की वीडियोस होगी वो आपके पास पहुंचेगी और आप सबसे पहले जो है लाइव क्लास में शामिल हो जाइएगा। तो चलते हैं आगे और वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन जो है आप लोग के यहाँ सामने दिख रहा होगा, एक नंबर क्वेश्चन जो है आप लोग का एक्सरसाइज 1.2 का दिख रहा होगा कि निम्नलिखित संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखें। अभाज्य गुणनखंडों के रूप में लिखें, ऐसा क्वेश्चन कभी भी आपको देखी तो डायरेक्ट आप सोच लीजिएगा कि अभाज्य गुणनखंड यानी कि एलसीएम जो है हमें निकालना है। या एग्जाम में जो है आप लोगों का कितने मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है प्रत्येक साल, तो 3 मार्क्स का जो है क्वेश्चन इससे पूछा जाता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। 3 नंबर, बूंद बूंद जो है तालाब भरता है, उसी प्रकार छोटे छोटे नंबर से ही हम 98, 95, 96, 99 नंबर ला सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो है आप लोग के सामने यहाँ रहा कि 140 का जो है अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखना है। तो सबसे पहले प्रश्न को हल करने से पहले हम यहाँ लिख लेते हैं क्या सॉल्व, और क्वेश्चन को जो है एक बार यहाँ पे नोट कर लेंगे। अब हमें जो है अभाज्य गुणनखंड निकालना यानी कि एलसीएम फाइंड आउट करना है। तो सबसे छोटी वाली संख्या से जो है हम क्या करते हैं, एलसीएम फाइंड आउट करते हैं। तो सबसे छोटी संख्या में मान लेते हैं 2। 2 सते कितना, 14, 0 एकम 0। अब देखिए 2 से भाग लग सकता है क्या, 2 तिया 6, 2 पंजे 10, लग सकता है 2 से भाग, एकदम ऑब्वियस है कि 2 से लगे, 2 तिया 6 और 2 पंजे कितना, 10, 35 हो गया। अब बताइए 35 कितने पहाड़ में लग सकता है, तो 5 सते 35 डायरेक्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इस प्रकार जो है अभाज्य गुणनखंड से जो है आपने इसको सॉल्व कर लिया। अब आपको क्या करना है कि 140 इक्वल ऐसे लिखना है आपको, 2 × 2 × 5 × 7 यानी कि 2 के पावर 2 कर सकते हो, क्योंकि 2 2 बार है, × 5 × 7, यही हो जाएगा आपका आंसर। बोलिए बहुत ही इजी रहा आप लोग के लिए, बहुत इजी रहा। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखेंगे क्या है, 156 का, उसी प्रकार एलसीएम निकालेंगे 2 से पहले, 2 सते 14, 2 अठे 16, फिर 2 से करेंगे 2 तिया 6, 2 नवा 18। अब तो 2 से लगेगा नहीं, और वैसे कि 3 से लगेगा, 3 एकम 3, 3 का 9, 13 आ गया। अब आपको क्या करना है, 156 बराबर में कितना है आपके पास, 2 × 2 × 3 × 13 यानी 2 के पावर 2 × 3 × 13, यह जो है आपके पास आंसर हो गया। अब तीसरा क्वेश्चन जो है आप आराम से निकाल सकते हो, निकाल सकते हो तीसरा क्वेश्चन, अगर नहीं निकालोगे तो मैं तो निकालूंगा ही। चलो तीसरा क्वेश्चन देखते हैं यहाँ, 38 25, हम सबसे पहले इसमें कितने से भाग लगा सकते हैं, 2 से तो भाग लगेगा नहीं, तो हम 3 से भाग लगा लेते हैं। चलो 3 एकम 3, 3 दूना 8 कितना, 6, इसमें से बचा 2, 3 सत्ते 21 कर सकते हैं, इसमें से 1 बचा, 3 पचे 15, इसका हाफ कर देना है आपको। अब देखो 3 से यहाँ भाग लग सकता है, और वैसे कि 3 से भाग लग जाएगा, 3 चौका कितना हो जाएगा, 12, 3 दूना 6, 3 पचे 15 यानी 425। अब देखिए 425 को कितने से भाग लगा सकते हो, 3 से तो भाग लगेगा नहीं क्योंकि आखिरी संख्या 5 दिख रहा है, 3 एकम 3 और 3 चौका 12, 5 हो रहा है, तो यानी कि 5 से भाग हम लगा सकते हैं, 5 8 कितना हो जाएगा, 40 और 50 25, 5 सॉरी। अब कितना से भाग लगा ले हम, तो अब ऐसे कि 5 से फिर भाग लगा लेते हैं, तो 5 एकम कितना, 5 यहाँ बचा कितना, 5 5 सते 3, 5 सते 35 13। अब इसकी को इसी प्रकार लिखना है जैसे हमने लिखा 38 25 को,
कैसे लिखोगे? 3 गुणे 3 गुणे कितना 5 गुणे का 5 गुणे का 17। यानी कि कैसे लिख सकते हो इसको कि 3 के पावर 5 के पावर गुणे का कितना 17, यह जो हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। तो 3 क्वेश्चन आपने आराम से किया। चलिए चौथा क्वेश्चन भी हम कर लेते हैं क्योंकि चौथा क्वेश्चन भी जो है आसान है। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन क्या है, 505। तो देखो हम कितना से इसमें भाग लगा सकते हैं, ऑब्वियस है कि 3 से तो भाग लगेगा नहीं, तो डायरेक्ट हम 5 से भाग लगा लेंगे। तो 5 एकम कितना हो जाएगा, 5001। अब बोले कितना से भाग लगाएंगे इसको, हम 5 से नहीं लगेगा भाग तो हम 7 से लगा के देखेंगे क्या। 7 एकम कितना हो जाएगा आपके पास, 7, इसमें से कितना बचा 3 और यहां बच जाएगा 0, बचेगा ना 7 एकम 7 तो यहाँ बचेगा 3 0, तो 7 7 7 14 17 17 कितना कर रहे 28 कर ले 4 बार में, और यहाँ 14 28 2 इसमें से बता 3 7 21 3 बार। अब बोलिए कितना से चले हम, 3 से भाग लगेगा नहीं, 7 से भाग लगेगा नहीं, 9 से भी भाग नहीं लगेगा, तो 11 से भाग लगा लेते हैं। 11 एकम 11 इसमें से कितना बचा 3 11 33। सिंपल हुए, अब इसको गुना कर लीजिए कितना 5005 इक्वल 5 × 7 × 11 × 30, यह हो जाएगा आपका आंसर। तो इस प्रकार से आपने 4 क्वेश्चन किया। पांचवा क्वेश्चन भी हम करेंगे 74 29 का। कितना से भाग लगा दे हम, देखिए यहां 3 से भाग आराम से लग सकता है क्या, 3 से भी नहीं लगेगा, हम डायरेक्ट इसको ले चलेंगे 17 से। 17 एकम 17 34 17 52 17 चौका 52 7 5 14 17 51 और इसमें से बच गया कितना 7 7 49 437। अब कितना से भाग लगा लेंगे बताइए, डायरेक्ट हम 19 से भाग लगा जाएंगे, 19 2 9 23 23। अब जो है 74 29 इक्वल 17 × 19 × 13, यह जो हो जाएगा आपका आंसर। तो इस प्रकार से जो है यह क्वेश्चन 1 नंबर आपने आराम से सॉल्व किया। अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं कि दूसरा नंबर क्वेश्चन आपके सामने ही रहा, बिल्कुल आसान भी क्वेश्चन है। आपने सिंपल निकाला था, इसमें बोला है कि पूर्णांकों को निम्नलिखित युग्मों को एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। इसमें आपको क्या निकालना है, एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि 2 संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ गुने एलसीएम है। यहां देखिए आपको क्या करना है, जांच करना है। देखिए इंपॉर्टेंट बहुत क्वेश्चन है यह, जब भी एग्जाम में आता है तो 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है क्योंकि यहां सत्यता की जांच जो है आपको करनी है। ठीक है, यहां बोला गया है कि एचसीएफ और एलसीएम दोनों आपको निकालना है और साथ में इसकी जांच करनी है कि यह क्वेश्चन जो आपने सॉल्व किया क्या सही है या गलत है, और क्या इन दोनों का गुणनफल एचसीएफ गुने एलसीएम होता है और होगा क्या सही है। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन पर, बिल्कुल यह आसान क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। कितना है 26 और दूसरा क्या है आपके पास 91, ये दोनों को अलग अलग आपको लिखना है। क्यों लिखना है, पहले आपको एलसीएम निकालना होगा तभी जो है एलसीएम गुने एचसीएफ आप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो 26 को निकालने के लिए देखिए 1 से 2 से करिएगा तो 2 से तो भाग लगेगा नहीं, 2 एकम 2 2 3 6 डायरेक्ट लग सकता है भाई, चलो भाई 2 एकम 2 2 3 6। अब 13 से तो भाग लगेगा नहीं तो इसको मैं ऐसे ही छोड़ देते हैं। 3 से इसमें भाग लगेगा नहीं तो डायरेक्ट हम कितने से भाग लगाएंगे यहाँ पे, तो 7 से भाग लगाएंगे, तो 13 7 91 यहाँ भी 13 आ गया। अब जो है एलसीएम आपका कितना है, इन्हीं इसीलिए देखिए कैसे हम बना रहे वैसे ही आप बनाइएगा। एलसीएम इक्वल कितना है 26 कॉमा का दे दीजिए 91, तो 26 का एलसीएम आपका कितना आया भाई 2 गुणे का 13 और 91 का जो है कितना आया है 7 गुणे का 13। अब बताइए कि ये दोनों संख्या जो है आपके पास लिख दिया गया है, अब आपको बोले कि एचसीएफ कितना होगा। तो एचसीएफ निकालने के लिए एक सिंपल तरीका जो है आप लोगों में बताने वाला हूं कि अगर दोनों संख्या एक जैसे दिखे, अगर दो हमने निकाला है 26 91 में
और दोनों संख्या एक जैसे दोनों में दिखे तो वह संख्या क्या हो जाएगी, मेरी एससीएफ बन जाएगी, यानी कि ये वाली संख्या 13 13 जो हो जाएगी मेरी एससीएफ हो जाएगी। तो लिखिए फिर इसीलिए 26 और 91 का एससीएफ बराबर कितना, तो 13। बस सिंपल हो गया। अब देखिए ये तो 13 हो गया, अब 26 91 का एलसीएम कितना होगा, 91 का एलसीएम कितना होगा, तो देखिए यहाँ पे थोड़ा ध्यान से कि यह 2 7, 2 और 7 दोनों है, ये दोनों कॉमन है ना, दोनों कॉमन है, उसमें से संख्या एक आपको लेनी है। तो 13 7 91 91 दूना का कितना हो जाएगा 182, तो एलसीएम दोनों का कितना आ गया 182। अब आपको इसमें क्या करनी है, सत्यता की जांच करनी है। तो सत्यता की जांच करने के लिए सिंपल एकदम है, एकदम सिंपल सत्यता की जांच लिखिए, सत्यता की जांच। अब सत्यता की जांच करने के लिए एक सिंपल लॉजिक आप याद रखिएगा, तो लिखना है क्या, लिख के दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल, ठीक है, दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना है, तो 26 गुणे का 91 है, तो 26 91 में जब आप गुणा करिएगा तो कितना आएगा, 26 91 का गुणा करिएगा तो कितना आएगा, 23 66, कितना 23 66 आएगा, ठीक है। अब एलसीएम गुणे एससीएफ, एससीएफ गुणे का एलसीएम, तो एससीएफ आपका कितना है, एससीएफ आपका कितना था 13 गुणे एलसीएम कितना है टोटल 182, इस दोनों को गुणा करिएगा तो आएगा आपके पास 23 66, यानी कि ए वाली संख्या और ए वाली संख्या, ये दोनों संख्या जो है क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। अगर ये दोनों संख्या इक्वल नहीं है तो आपका एलसीएम और एससीएफ गलत है। अगर ये दोनों संख्या आपके पास बिल्कुल इक्वल आ रही है तो समझिए कि आपने जो क्वेश्चन किया है बिल्कुल सही किया है। 13 66 इसमें भी आया है, 23 66 यहाँ भी 23 66 आया है, तो यह आपका बिल्कुल सही है, तो आप यहां लिख सकते हैं, अतः दोनों संख्याओं का गुणनफल का गुणनफल एलसीएम गुने एससीएफ है। तो इस प्रकार से जो है एक नंबर आपने क्वेश्चन कंप्लीट किया। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, 510 और 92 का एससीएफ निकालें, तो हम यहां निकालते हैं फिर, 510 और 92 था ना, 510 एक साइड लिखेंगे, 92 दो से भाग लग जाएगा ऑब्वियस है, 2 2 4, यहां 2 5 10 और यहां भी हो जाएगा 2 5 10। अभी तो 2 से भाग लगेगा नहीं, तो ऐसे कि 3 से भाग लगा देंगे, 3 8 कितना हो जाएगा 24, 3 5 15। अब यहाँ कितना से भाग लग जाएगा, यहाँ भी 5 से भाग लगा लेते हैं, 5 1 5, 5 7 35। अब 92 का भाग लगाएंगे कितना, 2 से करेंगे, 2 4 का कितना हो जाएगा 8, 2 6 के हो जाएगा 12, 46। अब यहाँ 2 से भाग फिर लगाएंगे, 2 2 4, 2 3 6, अब तो भाग लगेगा नहीं, छोड़ देंगे यहीं पे, तो लिखेंगे इसीलिए एलसीएम बराबर 510 का देख लेंगे कितना आया है, तो 2 × 3 × 5 × 17। अब 92 का देख लेंगे यहीं पे, 2 × 2 × 23। अब देखिए इसमें दोनों में कॉमन कौन सा दिख रहा है आपको, यहाँ 2 2 दिख रहा है, आपको कॉमन दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है, तो लिख लीजिए यहाँ पे इसलिए दोनों दोनों संख्याओं का एससीएफ बराबर कितना 2, तो इसीलिए एलसीएम बराबर कितना हो जाएगा, पहले यहाँ देखो 3 गुणे का 5 गुणे का कितना 17, फिर यहाँ गुणे का ले लो 2, फिर
फिर गुणे का 23 और दोनों संख्या में से एक संख्या 2। अब इसको गुना करो कितना आता है। हाँ तो इसको दुगुना करिएगा तो 23,460 आ जाएगा, 23,460। अब आप बोलोगे कि सर आपने इतना गुणा करके कैसे रखा है, तो ऑलरेडी मैंने बना कर रखा है, टेंशन मत रखिए, ठीक है। 23,460। अब जो है आपको सत्यता की जांच करनी है, सत्यता की जांच, क्योंकि टाइम बचेगा मेरे पास भी और आपके पास भी। दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल, तो दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना हो जाएगा, यानी कि 510 गुणे का 92, इसको गुणा करिएगा तो 46,920 आ जाएगा, 46,920। अब लिख लीजिए इसीलिए HCF गुणे का LCM, ठीक है। तो LCF कितना है, HCF 2 गुणे का 23,460। अब इसको गुणा करिएगा तो आपके पास आ जाएगा 46,920। ये दोनों संख्या जो है मेरे पास एकदम बिल्कुल कॉमन मिल रहा है, एकदम सेम से मिल रहा है, 46,920, और यहाँ भी 46,920, यानी कि यह संख्या सत्यता कि हमने जब जांच किया तो यह क्वेश्चन बिल्कुल हमारे लिए क्या रहा, सही रहा। यह क्वेश्चन सही है, सही है, सही है, तो लिख सकते हैं यहाँ, अतः दोनों संख्याओं का गुणनफल LCM गुने का HCF है, ये जो हो जाएगा आंसर, एकदम सिंपल रहा। चलिए तीसरे क्वेश्चन में चलेंगे, यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन देखेंगे क्या है हमारे लिए, 336 और 54 का, 336 और 54 का, तीन सौ छत्तीस और यहां ले लेंगे हम 54। अब इसका हम आराम से निकाल सकते हैं, आराम से। चलिए तो पहले इसको हम 336 को कितने से करेंगे, यहाँ पे ऑब्वियसली कि हम 2 से ही पहले स्टार्ट करें, उसके बाद आगे चलेंगे। तो 2 एकम 2, 2 छक्के 12, 2 8 16, फिर 2 से करेंगे, 2 8 16, 2 चौका 8, फिर 2 से करेंगे, 2 चौका 8, 2 दूना 4, फिर 2 से करेंगे, 2 दूना 4, 2 एकम 2, 3 से करेंगे, 3 सत्ते 21, चलिए 2 से करेंगे, फिर 2 दूना 4, 2 सत्ते 14, अब तो यहाँ 27 आ गया, कितने से करेंगे, 3 से, 3 नवा 27, 3 3 का 9, 3 एकम 3, क्लियर। चलिए अब हमें क्या निकालना है, LCM, LCM कितना है क्या निकालना है, पहले 336 का इक्वल 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे का 3 गुणे का 7। अब दूसरा कितना है 54 का, तो कैसे निकालेंगे, 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 3 ही है ना 3, और गुणे में 1 है तो 1 रखते हैं। चलिए कॉमन देखते हैं कौन कौन सी संख्या जो है इसमें कॉमन मिल सकती है हमारे लिए, तो यहाँ 2 2 1 कॉमन मिल रहा है आपके पास। आप देखिए आपके पास यहाँ 3 3 कॉमन दिख रहा है, अब कोई संख्या दिख रही है क्या, 2 3 2 3 नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो लिखेंगे यहां इसीलिए दोनों संख्याओं का HCF बराबर कितना, 2 गुणे 3, यानी कि कितना, 6। अब यहां लिखा रहे हैं हमें दोनों संख्याओं का फिर LCM, दोनों संख्याओं का LCM इक्वल, अब कौन कौन सी संख्या बच रही है पहले देख लेंगे, 2 2 2 पहले लिख लेते हैं, 2 गुणे 2 गुणे 2, ठीक है। उसके बाद यहां बचा 1 7, तो 7 रखेंगे, फिर यहां से देखेंगे 3 गुणे 3 3 गुणे 3, अब दोनों संख्या में से एक संख्या, 30 में से ले लेते हैं हम 2, और यहां से ले लेते हैं 1, दोनों संख्याओं में से यहाँ पे 3, ठीक है। अब इसको गुना कर लीजिएगा तो आप लोग के पास आ जाएगा 18,144, 18,144 आ गया। अब आपको क्या करनी है, सत्यता की जांच करनी है, तो जांच जो है आराम से आप कर सकते हैं, सत्यता की
जांच। तो सत्यता की जांच के लिए दोनों संख्याओं का गुणनफल। दोनों संख्याओं का गुणनफल, ठीक है, दोनों संख्याओं का गुणनफल मेरा कितना है? दोनों संख्या का गुणनफल देख लीजिए, 36, 336 और गुणे का 54। जब करिएगा 336 और गुणे तो 18,144 आ जाएगा। एकदम सिंपल रहा, 44 आ जाएगा। अब आपको क्या निकालना है भाई? दोनों संख्याओं का एलसीएम निकाल लेना है। तो एचसीएफ गुणे का एलसीएम, ठीक है। नहीं 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 यहाँ गलत हुआ है भाई, तो दोनों संख्या आ गया ना। अब इसको गुणा करिएगा ना, तो कितना आएगा आपके पास? तो आएगा 3024, सॉरी 3024। तो आपके पास करना है एचसीएफ कितना आया है, 6 गुणे का 3024, यानी कि अब आ जाएगा 18,144। ये जो हो जाएगा आपके पास आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन संख्या 3 पे। थोड़ा सा बाई मिस्टेक हो जाता है, कंटिन्यू वीडियो करते करते थोड़ा सा हो जाता है मिस्टेक। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, बहुत अच्छा है कि आभास गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांक का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करें। इसमें आपकी सत्यता की जांच नहीं करनी है, बस एलसीएम गुणे एचसीएफ फाइंड आउट कर देनी है। तो बिल्कुल आसान है इसको, उसमें हम लोग 1 अंक किए, 2 अंक किए, अब 3 अंक करेंगे, ठीक है। बस यही चीज है, कितना है, 12 है, 15 है और 91 है, ठीक है। 3 हमने किया, 2 से करेंगे 2 6 12, 2 से करेंगे 2 3 6, यहाँ तो ऑब्वियस है 3 5 15। अब यहाँ पे डायरेक्ट होगा 13 7 91, बस सिंपल हो गया, क्लियर, ठीक है। अब हम चलेंगे देखेंगे यहाँ पे एचसीएफ देखेंगे, एचसीएफ देना देखेंगे, ज्यादा कुछ तो करना नहीं है। चलिए अब एलसीएम पहले देखेंगे, 12 बराबर 2 × 2 × 3, अब 15 का देखेंगे 3 × 5, अब 91 का देखेंगे 7 × 13। अब इस तीनों में संख्या में एचसीएफ हमें फाइंड आउट कर लेनी है। एचसीएफ यहाँ कौन सी संख्या मिल रही है भाई? अरे यहाँ क्वेश्चन मिस्टेक हुआ है क्या? 12 15, अरे यार 12 15 और यहाँ पे 21 है, 12 15 और 21, प्रिंटर 12 15 और 21 है, तभी तो जाके हो पाएगा। हाँ 12 15 और 21, ठीक है 12 15 और 21, 3 7 21, तो 21 का हो जाएगा कितना, 3 × 7, इसलिए तो बोल रहा हूँ कि मिल क्यों नहीं रहा है भाई एचसीएफ, कहीं ना कहीं मिस्टेक हो जाता है तो एचसीएफ नहीं मिलता है। देखिए यहाँ पे जो 3 संख्या आपको दिख रही है, यानी तीनों कॉमन होना चाहिए तभी तो एचसीएफ होगा, तो इसका एचसीएफ कितना आ जाएगा आपके पास, 3, ठीक है। अब चलेंगे हम एलसीएम, एलसीएम बराबर क्यों कोई संख्या बच रही है, 2 × 2, यहाँ कितनी संख्या बची, 5, इतनी कितनी संख्या बची, 7, 1, तीनों में से 1, 3। अब इसको गुणा कर लीजिए, 2 × 2 = 4, 4 × 5 = 20, 20 × 7 = 14, 7 × 2 = 14, 14 × 14 = 42, यानी कि 420, यही हो जाएगा आंसर, ठीक है। चलिए सेकंड क्वेश्चन यहाँ देख करके देखेंगे, 17 23 और 29, 17 23 और 29 का, 17 23 और 29। अब तो यहां 17 से है तो 17 × 17 = 1 करेंगे, 23 से करेंगे तो 23 × 23, 29 से करेंगे तो 29 × 29, यानी कि आप लोगों को देखने में ही लग रहा है कि एचसीएफ मेरा 1 हो जाएगा, एकदम सिंपल है। एलसीएम बराबर 17 बराबर कितना हम करेंगे एलसीएम, 17 × 1, 23 देखेंगे तो 23 × 1 कितना, 1, 29 से करेंगे तो 29 × 1, यानी यहाँ 11 जो संख्या है आपके पास एचसीएफ हो गई, तो इसीलिए एचसीएफ बराबर कितना, तो एलसीएम बराबर कितना हो जाएगा, 17 × 23 × 29 × 1,
यानी इसको गुना कर देते हो 11,339, यह हो जाएगा आपके पास आंसर। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखेंगे, 8, 9 और 25 का। 8, 9 और 25 का बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन, एक सेकेंड, 8, 9 और 25। चलिए 8, 9 और कितना यहाँ 25, तो 2 से करेंगे 2 चौका कितना 8, 2 से करेंगे 2 दूना 4, 3 से करेंगे 3 3 का 9, 5 से करेंगे 5 25, ठीक है। इसको भी लाते हैं 5 एकम 5, इसको भी बढ़ाएंगे थोड़ा 3 एकम 3, इसको भी करेंगे 2 से 2 एकम 2। तो चलिए हम लिखेंगे एलसीएम बराबर 8 बराबर 2 × 2 × 2 × 1, 9 का करेंगे फिर हम 3 × 3 × 1, 5 का करेंगे 25 का, तो कितना 5 × 5 × 1, यहाँ भी जो है एलसीएफ आपका कितना है 1 है, इसीलिए एलसीएफ बराबर कितना 1, तो एलसीएम बराबर कितना हो जाएगा, यानी कि 2 × 2 × 2 × 3 × 3 × 5 × 5, इसको गुणा करिएगा आप भाई, तो आपका कितना आ जाएगा 1800 शायद समथिंग, 1800 समथिंग आएगा, ठीक है 1800 आंसर। यह जो है आपका 3 नंबर क्वेश्चन जो है कंप्लीट हुआ। अब चलते हैं 4थे नंबर क्वेश्चन पे। चार नंबर क्वेश्चन हम यहां देखेंगे और करेंगे, बहुत मजेदार क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम में जो है 3 मार्क्स। चलिए एससीएफ 306 और 657 बराबर में 9 दिया है, एलसीएम 306 657 ज्ञात कीजिए। बहुत सिंपल क्वेश्चन है और बहुत मजेदार क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलिए हम इसको क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हम लिखेंगे सॉल्व, दिया है क्या दिया है भाई, एससीएफ 306 कॉमा का 557 बराबर में 9 दिया है। एक फॉर्मूला होता है इसे निकालने के लिए, क्या, एससीएफ गुने का एलसीएम बराबर में लिखे दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल, ठीक है, बट्टा का क्या होता है एचसीएफ, दोनों संख्याओं का गुणनफल बट्टा में होता है आपका एचसीएफ, यानी कि आपके पास एलसीएम इक्वल कितना हो जाएगा दोनों संख्याओं का गुणनफल, यानी कि 306 गुने में 657, एचसीएफ आपका दिया गया है, बोलिए सिंपल हो गया कि नहीं, दोनों संख्याओं का गुणनफल बटा का एचसीएफ यानी कि 9 दिया गया। अब 9 से इसको काट सकते हैं कि नहीं, आराम से काट सकते हैं, 9 × 9 = 9, 9 × 9 = 28, 9 × 9 = 27, 3 × 28 = 29, 30 और 9 × 9 = 36, 4 तो 34 × 657 गुणा कर लीजिए जो आएगा आपका आंसर, यानी कि 22,338 जो है आपके पास आंसर आएगा। यह क्वेश्चन बिल्कुल आसान था, यह क्वेश्चन आपको समझिए। अब जितना भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको अगर मिले तो कुछ नहीं करना है, कितनी भी यहाँ पे संख्या दी गई हो उससे आपको लेना देना नहीं है, यहाँ भी कोई संख्या कितनी भी दी गई है कुछ लेना देना नहीं है, बस आपको एक फॉर्मूला याद रखना है, एचसीएफ गुणे एलसीएम बराबर होता है दोनों संख्याओं का गुणनफल बटा का एचसीएफ, तो दो संख्याओं का गुणनफल यहाँ पे कोई भी संख्या दी गई हो यहाँ पे पुट आउट कर देना है, जो संख्या बराबर में दिया गया है उस संख्या से भाग आपको लगा देनी है, इतना करिएगा 3 मार्क्स जो है आपको एग्जाम में मिल जाएंगे, ठीक है। चलते हैं आगे 5वें नंबर क्वेश्चन पे। 5वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6n अंक 0 पर समाप्त हो सकता है। यह क्वेश्चन दिया गया है आपके पास,
तो यह जरूर है कि हम जानते हैं कि क्या प्राकृतिक संख्या जो है मेरा क्या होता है, धनात्मक होता है, और यह शून्य से पर भी क्या होती है, समाप्त हो जाती है, और यह 5 से विभाजित भी होगा आराम से, देखते हैं कैसे। चलिए हम सॉल्व लिखेंगे, और इसको कुछ कंडीशन है जो कंडीशन को जो हमें फॉलो करना है, और जो वो सिंपल कंडीशन जो है आपको यहाँ लिखना है कि हम जानते हैं कि आई नाउ डेट, हम जानते हैं कि कोई धनात्मक, कोई धनात्मक प्राकृत संख्या जो शून्य पर समाप्त होती है, समाप्त तो होती है, वह 5 से, यानी कि 6 सन दिया है तो हम 5 से शुरू करते हैं, 5 से विभाज्य होती है, इसलिए उसके अभाज्य गुणनखंड में अभाज्य संख्या 5 होनी चाहिए, में अभाज्य संख्या कितनी होनी चाहिए भाई, 5 होनी चाहिए, होनी चाहिए। अब जो है जो क्वेश्चन दिया है 6n, तो लिखेंगे यहाँ अब कितना है 6, और यहाँ पे पावर में हम दे देते हैं इक्वल, इसको डिवाइड करिएगा तो 2 × 3 की पावर कितना हो जाएगा n, यानी कि 2 के पावर n गुणे का 3 के पावर n, आराम से लिख सकते हो। तो लिखिए यहाँ फिर 6n के आभास संख्या, 6n का गुणनफल, गुणनफल केवल जो है 2 और 3 है, 3 है। अब यहाँ पे भी लिखना और आगे चाहते हो तो लिख सकते हो आराम से, 6n है तो लिखिए यहाँ पे फिर, इसीलिए अंक गणित की आधारभूत प्रमेय के अनुसार, अनुसार जो होगा तो यहाँ इसे लिख लीजिए, 6n के अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड में 5 जो है नहीं आ सकता, ठीक है। अब इसमें थोड़ा सा मैटर और लिखना है जो मैं आपको यहाँ लिख के बता देता हूं, नहीं हो सकता, ठीक है, क्यों नहीं होता है तो लिखिए यहाँ फिर, अतः 6n किसी भी प्राकृत संख्या n के लिए, किसी भी शून्य जो है 0 पर समाप्त नहीं होता, समाप्त नहीं होता, या जो होगा आप ठीक है। थोड़ी सी साउंड आप लोगों को बाहर की आ रही होगी, बट टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, उधर माइंड नहीं करना है, हमें इधर माइंड फोकस करना है। तो चलते हैं फिर 6 नंबर क्वेश्चन जो है थोड़ा सा हम देखेंगे यहाँ पे। 6 नंबर क्वेश्चन भी जो है मजेदार क्वेश्चन है कि व्याख्या कीजिए कि 7 × 11 × 13 जोड़ का 13, और 7 × 6 4 × 3 × 2 × 1 और जोड़ का 5 भाज्य संख्या क्यों है। भाई यहाँ तो लॉजिक कुछ और ही बता रहा है कि भाज्य संख्या कैसे है, तो बिल्कुल सिंपल है कि भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या उसे हमें क्या लेना देना है। पहले हम करके तो देखेंगे कि भाज्य संख्या क्या अभाज्य संख्या है, तो पहले लिख लेंगे, पहली संख्या तो यहाँ दिख रहा है आपको और दूसरी संख्या यहाँ दिख रहा है, तो हम सॉल्व डालेंगे और देखेंगे, लिखेंगे यहाँ क्या पहली संख्या, पहली संख्या आपके पास क्या दिया गया है, पहली संख्या कितना है
सात गुणे 11 गुणे 13, और जोड़ का यहाँ दिया गया आपके पास 13, यही दिया ना, 7 गुणे 11 गुणे 13 गुणे का जोड़ का 13, सिंपल दिया गया। और इसमें कॉमन देख लेंगे, 13 ही कॉमन ले लेते सबसे अच्छा, तो कितना आ जाएगा आपके पास 7 गुणे कितना है 11, और जोड़ का क्या आ जाएगा आपके पास 1, क्योंकि 13 कम 13, तो लिखे यहाँ पे क्योंकि, क्योंकि यहाँ 13 क्या है बताइए, तो यहाँ 13 क्या है, एक गुणनखंड है, 13 एक क्या है, गुणनखंड है, गुणनखंड है, ठीक है। तो लिखिए इसीलिए दी गई संख्या 13 से भाज्य है, बस ये सिंपल। अब दूसरी संख्या दी गई वो भी लिख लेंगे हम यहाँ पे, दूसरी संख्या, अब दूसरी संख्या क्या है आपके पास, 7 गुणे 6 गुणे 4 गुणे का 3 गुणे का 2 गुणे का 1, और जोड़ का कितना है 5 है, तो ऑब्वियस है कि हम इसमें भी 5 कॉमन कर लेंगे, जोड़ में दिया गया है। चलिए कितना, 7 गुणे 6 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, जोड़ का 1, ये होगा ना। तो फिर वही चीज ये जो है यहाँ हमें दर्शा देनी है, जो हमने यहाँ लिखा यही चीज यहाँ लिखेंगे, क्योंकि यहाँ कितना जो है 5, 5 जो है क्या है, एक गुणनखंड है, गुणनखंड है, इसीलिए दी गई संख्या, संख्या 5 से क्या है भाज्य, तो लिख दीजिए अब यहाँ पे आंसर में, आंसर में आपको कुछ नहीं लिखना है, सिंपल वे में लिख सकते हैं कि अतः, ठीक है, 7 गुणे 11 गुणे 13 जोड़ का 13, और 7 गुणे 6 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 जोड़ का 5, दोनों संख्या क्या है, दोनों संख्या भाज्य संख्या, यही करना है आपको। तो बिल्कुल आप लोग को अच्छी लगी है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, आखिरी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर जो है 7, ये भी बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। हाँ, कि किसी खेल के मैदान में, देखिए किसी खेल के मैदान में चारों ओर एक वृत्तकार पथ है, इस मैदान का चक्कर लगाने में सोनिया 18 मिनट लगाते हैं, जबकि इसी मैदान को चक्कर लगाने में रवि 12 मिनट लगाता है। मान लीजिए कि दोनों एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, कितने समय बाद वे प्रारंभिक स्थान पर पहुंचेंगे या मिलेंगे। तो मान लीजिए, सपोज मानिए कि यह एक वृत्तकार जो है आपके पास ग्राउंड है, एक गोल सा ग्राउंड है, ठीक है। यहाँ पे बोला गया है मैदान चक्कर लगाने में सोनिया 18 मिनट, जबकि चक्कर लगाने में 12 मिनट समय लेता है, और दोनों का प्रारंभिक स्थान जो है, मान लीजिए कि दोनों एक ही समय पर चलना चलना प्रारंभ करते हैं। मान लीजिए कि यह सोनिया है, ठीक है, और यह मानते हैं रवि है, ठीक है। तो क्वेश्चन को थोड़ा बिल्कुल ध्यान से देखेंगे, किसी खेल के मैदान में चारों ओर एक वृत्तकार पथ है, और इस मैदान को चक्कर लगाने में सोनिया 18 मिनट लगाती है, जबकि इसी मैदान को चक्कर लगाने में रवि 12 मिनट लगाता है, ठीक है। सोनिया यहाँ से दौड़ के यहाँ तक जाती है तो 18 मिनट लेती है, और फिर रवि जो है इसी मैदान को चक्कर लगाता है तो वह कितना मिनट लेता है, 12 मिनट लेता है, ठीक है। इस क्वेश्चन को बिल्कुल ध्यान से देखेंगे, लगाते हैं, जबकि दोनों एक ही समय पर चलना प्रारंभ करते हैं, यानी दोनों का जो टाइमिंग है एक ही समय दोनों का दिया गया है, यहीं से दौड़ना है दोनों को, तो एक ही दिशा में चलते, फिर भी वह एक ही दिशा में एक ही राउंड को इसी को चक्कर लगाते हैं, कितने समय बाद प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, यही क्वेश्चन दिया गया है। यहां से अगर चलना शुरू करते हैं तो कितने समय बाद जो है एक स्थान पर मिलेंगे, तो हम सॉल्व लगा लेंगे, क्योंकि यहाँ 2 ही मिनट का दिया गया है फासला, तो हम आराम से लिखेंगे 1 18, और दूसरा कितना दिया गया भाई 12,
दो नवा 18, तीतरी का 9, 3 एकम 3, 2 छक्के 12, 2 तिहाई 6, 3 एकम 3। क्लियर। अब यहाँ एलसीएम क्या याद कर लेंगे 18 का, 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे का 1, और दूसरा कितना है 12 का, यानी 2 गुणे 2 गुणे का 3। अब इसमें हम एचसीएफ फाइंड आउट कर लेते हैं कि कौन कौन सा एचसीएफ होगा। तो ये कॉमन दिख रहा है यहाँ पे, और यहाँ तीन तीन कॉमन दिख रहा है, और यहाँ एक एक भी कॉमन दिख रहा है। तो एचसीएफ बराबर कितना करेंगे, 2 गुणे 3 गुणे का 1, यानी 2 तिहाई कितना 6। और एलसीएम कितना हो जाएगा मेरे पास, यहाँ बचा है 3, यहाँ बचा है 2, यही बचा ना है, दोनों में से एक ले लेंगे, फिर 2 गुणे का 3, 2 तिहाई 6 12 48 ना, 3 दून 6, 6 दून 12, 12 4 36, यानी 36 मिनट बार जो है दोनों स्थान पे मिलेंगे, यही क्वेश्चन आपसे बोला गया है। तो यह क्वेश्चन कंप्लीट हुआ आप लोग का। अब जो है नेक्स्ट क्वेश्चन जो है एक्सरसाइज 1.3 जो है आप लोगों को कराया जाएगा उदाहरण सहित। तो आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।